कैसे हो बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे रहे होगे और बाहर नहीं निकलते होगे। तो अगर इस तरह आप लोग घर पे रहे तो इंशाल्लाह ये बीमारी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। आज मैं आप लोग को एक कहानी सुना रही हूँ जो एक मछेरे की है। मछेरे बच्चों आप जानते हैं किसको कहते हैं? मछेरा वो होता है जो समुन्द्र में जाल डालकर मछलियां पकड़ता है और फिर उस मछलियों को बेच के अपनी अपनी और अपने बच्चों की गुजर औकात करता है। तो ये एक मछेरा था और उस वो सुबह सुबह आया और अपने जाल डाला उसने समुन्द्र के अंदर। तो जब जाल डाला तो मछलियों के साथ एक बड़ी मछली आ गई जिसकी शक्ल बिल्कुल जो और बिल्कुल इंसानों की तरह थी। धड़ उसका पूरा मछली का था लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल इंसानों जैसी थी और बहुत ही खूबसूरत, और देख के हैरान रह जाता है कि ये क्या चीज आ गई हमारे जाल में। बहरहाल वो मछली कहती है कि मैं समुंदर की शहजादी हूँ और बस आज मैं ऊपर आई थी कुछ देखने के लिए, ऐसे तरह नजारा करने, तो तुम्हारे जाल में फंस गई। अब तुम अगर मुझे छोड़ दो तो मैं तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। तो उसने सोचा कि हम करेंगे क्या इस मछली का, जब छोड़ ही देते हैं क्या, चलो ठीक है मैंने तुम्हें छोड़ दिया लेकिन अब तुम को मेरे साथ जाना पड़ेगा और मैं तुम्हें अपना पूरा महल घुमाऊंगी समुन्द्र के अंदर और फिर वहां जो तुम जो चीज चाहोगे जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। तो मछेरे को लेके वो पानी में उतर जाती है और चली जा रही है। रास्ते में बड़ी छोटी 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 रंगीन लाल पीली हरी मछलियां भी नजर आई उसको और बड़े बड़े शार्क भी नजर आए लेकिन कोई उसको कुछ कह नहीं रहा था, और व्हेल भी नजर आई, यानी हर किस्म की मछली उसको नजर आती है। और वो उसके साथ जाता रहता है, बस महल में पहुंचता है। बहुत बड़ा महल होता है, उसमें तमाम उसने महल में दिखाया और कहा कि ये अब तुमको क्या चाहिए, जो तुमको जो चाहिए वो हम तुम्हें दे देंगे। तो उसने उसकी एक दोस्त थी उसको बुलाया, वो भी उसी शक्ल सूरत की थी, बहुत ही खूबसूरत और वैसे ही। तो कहा इसको ले जाओ और वो बड़े कमरे में ले जाओ जहाँ सारे बड़े बड़े संदूक रखे हुए हैं, उसमें से जो चीज ये पसंद करे उसको दे देना। तो वो आ जाता है कमरे के अंदर, उसके साथ घूमता रहता है। इतनी चीजें बक्सों में, किसी में खाली सच्ची मोतियां हैं तो किसी में खाली सोने के सिक्के हैं तो किसी में कुछ, मतलब पूरा वो कमरा जो है वो खजानों से भरा रहता है। उसकी समझ में नहीं आता कि मैं क्या चीज लेके जाऊं यहाँ से, तो सोचता रहता है। तो इतने में वो जो उसको घुमा रही थी उसकी दोस्त, उसने कहा कि देखो इतना सामान है तुम इन सब चीज लेके नहीं जा सकते हो, तो बेहतर ये है कि तुमको हम एक चीज मशवरा देते हैं, वो एक चीज है जो तुम मांग लो, अगर वो चीज तुमको मिल गई तो फिर तुम जिंदगी भर वो तुम्हें जो चाहोगे तो वो तुम्हें देगा वो। तो उसने कहा बताओ। तो उसने कहा कि ये है कि एक पन्ना है, एक पुराना पन्ना। पन्ना कहते हैं एक तरह का पत्थर होता है। तो उसने कहा वो पुराना पन्ना जो है वो तुम मांग लो, और जब वो तुम मांग लोगे तो तुम जिंदगी में जो ख्वाहिश करोगे वो तुम्हें उससे मिल जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है। तो उसने मांगा और शहजादी ने कहा कि ठीक है इसको दे दो और इसको अब तुम जाकर इसको ऊपर छोड़ आओ, ये अकेले नहीं जा सकता है। तो वो दोनों जा रहे होते हैं ऊपर, जा रहे होते हैं, रास्ते में उसको बहुत अच्छी लगती है वो। तो फिर वो कहता है कि बड़ी मुश्किल है, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुमसे शादी कर लूं, मगर मुश्किल ये है कि तुम पानी के बगैर नहीं रह सकती, के अंदर नहीं रह सकता। तो उसने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं पानी के बगैर भी रह सकती हूँ। तो उसने कहा तो बस ठीक है, तो हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर ऊपर पहुंचता है वो, उसके बाद ढूंढता है, अमूमन मछेरे अपना घर समुन्द्र के किनारे ही बनाते हैं झोपड़ा वगैरह, या कभी कभी वो कश्तियों में ही अपना पूरा घर बना लेते हैं। उनके पूरे खानदान कश्तियों में ही रहते हैं, खाते पीते हैं, पकाते हैं, सब कुछ उस कश्तियों में होता है उनका। तो जब ऊपर आता है तो पूछता है कि मेरा झोपड़ा तो नजर नहीं आ रहा है, कहाँ गया? तो उसने कहा भाई तुम जब अंदर गए थे और नीचे घूमे और वापस आए हो तो 100 साल हो गया इस दरम्यान में। तो जाहिर है तो नहीं, मेरे झोपड़े में मेरी माँ और मेरे बाप भी रहते थे।
तो वो कहाँ चले गए? उसने कहा नहीं तुम फिक्र ना करो, वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। फिर उसने देखा कि इसका झोपड़ा आ गया और उसमें उसके माँ बाप निकल के चले आ रहे हैं। बहुत खुश होता है ये, उसके बाद फिर शादी कर लेता है उससे, और उस पन्ने से जो उसने लाया था उससे जो चीज मांगा, यानी महल बनवा लिया उससे, और बहुत यानी जो भी चीज महल में होती है वो सब उसके पास हो गई, और वो बहुत खुश रहने लगा। बल्कि उससे शहर का वो बहुत अमीर तरीन आदमी बन गया। अब कोई उसको अगर तंग करना चाहता है या पन्ना उससे वसूल करना चाहता है कि किसी तरह पन्ना मुझे मिल जाए, तो वो जब वो अटैक करता उसके रियासत पे, तो वो पूरा समुंदर का पानी उसके ऊपर आ जाता था, सारे उसके वो डूब जाते थे, उसके जो सिपाही थे। फिर वो बड़े आराम से उसमें अपनी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ और उससे शादी करके बहुत अच्छी तरह से गुजारता है। तो बच्चों आपको कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी, और फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊंगी।